हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज है संडे, तो हमने सोचा बच्चों के साथ जरा आउटिंग की जाए, तो अब हम निकले हैं आउटिंग करने के लिए, क्योंकि आज है संडे और फंडे। ये देखें, अब हम निकल चुके हैं अपने घर से और अब हम आपको दिखाते जाएंगे। ये देखें, ये है हमारा कराची और आज कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है, फुल धूप हो रही है, लेकिन आज है संडे इसलिए हम निकले हैं आउटिंग करने के लिए। अब ये देखें, हम मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता मोटरवे को जाता है। मोटरवे बनने से बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई कराची वालों को, बहुत अच्छा बनाया है। बस कराची के रोड जो हैं वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाता है बहुत बहुत देर के लिए। मजा तो बहुत आ रहा है क्योंकि संडे है। संडे। अब ये देखें, हम मोटरवे की तरफ जा रहे हैं और आज बहुत तेज हवा चल रही है, गर्म हवा बहुत तेज। लेकिन कराची में समंदरी हवाएं चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं। कभी आपको हम सी व्यू जाएंगे तो सी व्यू का जरूर विजिट करवाएंगे। आज हम आपको हाईवे दिखा रहे हैं। अभी हाईवे है, फिर उसके बाद हम मोटरवे पे एंटर होंगे। ये देखें, अब हम मोटरवे पे एंटर हो चुके हैं। ये देखें, देखें हैदराबाद, सक्खर, लाहौर, ये सारे एरियाज इधर से ही होके जाते हैं। आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं या मोटरवे की वजह से लाहौर आसानी से जा सकते हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपनी गाड़ी के अंदर कराची से लाहौर। बहुत मज़ा आता है, बीच बीच में रुक के जाएं, सादकाबाद, मुल्तान, फुल इंजॉयमेंट होती है। ये देखिए, ये हाईवे के रेस्टोरेंट्स हैं, जियो शनवारी और आगे भी बहुत सारे आते हैं। अभी आपको दिखाते हैं हाईवे के रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज है। वो देखें, अब आ रहा है डेवू, कराची का डेवू एक्सप्रेस। ये देखें, यहाँ पर बसेस जो होती हैं डेवो की, यहाँ से लोग सफ़र करते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है इसकी और बहुत अच्छी जगह पर है ये। अब देखें, ज़बरदस्त सा एक और रेस्टोरेंट आ रहा है हाईवे का, खान साहब। ये देखें कितना बड़ा है और बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत मज़ेदार खाना होता है हाईवे का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कराची के यही तो मज़े हैं, क्योंकि कराची है सिटी ऑफ लाइट्स। ये देखें एक और, खैबर शिनवारी, यहाँ पे लाइन से रेस्टोरेंट बने हुए हैं। देखिए कितना बड़ा रेस्टोरेंट आ रहा है, कबाब जीज, इसका तो खाने का जवाब ही नहीं है। बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन खाना, फुल एसओपीज को फॉलो करते हैं ये, बहुत मज़ेदार खाना है। अब आ रहा है हवेली, हवेली। ये देखिए कबाब जीज, क्या ज़बरदस्त व्यू है। बच्चों के लिए पूरा प्ले एरिया यहाँ पे बना हुआ है। हवेली में बहुत ज़बरदस्त खाना होता है, बच्चों के लिए भी प्ले एरिया भी है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने अपने बेटे की आमीन भी की थी,
बहुत मजा आया था, बहुत जबरदस्त खाना था। देखिए आज संडे है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है हाईवे के ऊपर, क्योंकि लोग हैदराबाद जाते हैं, यहाँ से सखर जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, लाहौर जाते हैं, ये सारा पंजाब तक जाता है। आज कर लेंगी यार, यहाँ पे मेट्रो भी है, मेट्रो रेस्टोरेंट। यहाँ पे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। जी बहुत सारे। यहाँ देखिए दूसरी तरफ इधर पे, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है, बकरा ईद पर सबसे बड़ी मंडी होती है जो कराची में लगती है। एक और जबरदस्त रेस्टोरेंट शाहीन छिंदवाड़ी कैफिला हाईवे। देखिए पूरे हाईवे पे ना लाइन से गैप देकर इन्होंने रेस्टोरेंट्स रखे हुए हैं। ये देखें यही हाईवे कोयटा भी जाता है, गवादर भी जाता है। ये है कराची, यहाँ सारे ट्रक्स खड़े होते हैं आके, इसको कह सकते हैं ये ट्रक का अड्डा है। हाईवे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर हमेशा स्पीड जो है वो 100 रखनी चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए एक और रेस्टोरेंट आ रहा है, अल हबीब रेस्टोरेंट। ये भी बहुत मज़ेदार होता है, यहाँ पे हम हमेशा बकरा ईद पर सब्जी वगैरह बनवाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना कर देते हैं। बहुत अच्छा मोटरवे बनाया है, लेकिन जो पंजाब के मोटरवेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन सिंध के लिहाज से सिंध का मोटरवे बहुत अच्छा है। देखिए अल सज्जाद रेस्टोरेंट, ये भी बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, ये सबसे पहले यहाँ पे खुला था हाईवे के ऊपर, ये वो रेस्टोरेंट। पंजाब के मोटरवे पे तो मोटरसाइकिल वगैरह कोई चीज अलाउ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सब चीजें मिक्स चल रही हैं। वहां पर बहुत डिसिप्लिन से सारा हो रहा होता है, ट्रैफिक जो भी होती है बहुत डिसिप्लिन होता है उसके अंदर। लेकिन जो सिंध वाले जो है ना, मोटरसाइकिल्स भी यहाँ पे हो रही होती है, जबकि पता है कि यहाँ पे बहुत तेज रफ्तार के अंदर गाड़ियां चल रही होती हैं, हाई स्पीड में गाड़ियां चल रही होती। अब बस थोड़ी देर में हम कराची हैदराबाद टूल प्लाजा पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह, फिर आपको आगे का सफर भी दिखाएंगे। आज आपको पूरे हाईवे की सैर करवाएंगे, मोटरवे की सैर करवाएंगे। कस्टमर केयर सेंटर देखें, एमटेक, यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है बम्बई कोयला कढ़ाई। कढ़ाई जो कोयलों पे बनती है वो बहुत ही मजेदार होती है। अब ये देखें हम कराची हैदराबाद मोटरवे पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मजेदार, ये देखिए जबरदस्त मोटरवे का सफर स्टार्ट हो गया है। ठंडी हवा इसलिए आ रही है क्योंकि आप गाड़ी में एसी में बैठी हुई हैं, बाहर बहुत गर्मी है।
जब बाहर निकलेंगी तो गरम गरम हवाएं चल रही होंगी। ये देखें ट्रक को, उसके ऊपर जो ये कपड़े लगे हुए कैसे उड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा शदीद हवा चल रही है और गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी हिल रही है, तो अंदाजा हो रहा है कि हवा बहुत तेज चल रही है। बहुत मजा आता है मोटर पे सफर, जबरदस्त सी तेज गाड़ी चल रही हो और बिल्कुल स्ट्रेट गाड़ियां जा रही होती हैं, कोई मसला नहीं होता है इसके अंदर। मोटर वे पे सफर करने में बहुत मजा आता है, रोड्स भी अच्छे बने हुए होते हैं, कोई इंटरप्शन नहीं होती है। आप लोग भी जरूर सफर कीजिएगा कराची से लाहौर तक, लाहौर से कराची, बहुत मजा आता है। सीमेंट फैक्ट्रीज आती हैं आगे जाके मोटरवे पे, लकी पावर सीमेंट, ये फुल प्रोटोकॉल के साथ कोई गाड़ी जा रही है। अब बस बहरिया टाउन, कुछ ही देर में हम बहरिया टाउन पहुंच जाएंगे, फिर हम आपको बहरिया टाउन की सैर कराएंगे क्योंकि मोटरवे पे बहरिया टाउन भी है, आपको हम बहरिया टाउन भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा साइलेंट प्लेस है, ग्रीनरी है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहरिया टाउन है, बाहर का व्यू है बहरिया टाउन का जी। बिल्कुल अब हम बहरिया टाउन में एंटर होने वाले हैं जी। स्टॉप साइन आ रहा है, आज कोई रश नहीं, स्टॉप। सब मास्क सेल करते हैं, बच्चे छोटे छोटे से। ये देखिए हम बहरिया टाउन में एंटर होने वाले हैं, रात में इसका व्यू ही बिल्कुल अलग होता है, हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां हो रही होती हैं। अब जब रात होगी हम रोशनियां भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा बनाया हुआ है और ये सबसे बड़ा बहरिया टाउन है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा बहरिया टाउन। ये देखें व्यू है, ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम एंटर होने ही वाले हैं, इतना प्यारा बना हुआ है देखने में। ये देखें हम बहरिया टाउन में एंटर हो रहे हैं, ये देखें मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। अभी आपको माउंटेन्स भी दिखाएंगे, एफिल टावर भी दिखाएंगे। ये देखें जबरदस्त सी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यहाँ पे बर्गर किंग है, पिज्जा हट है, यानी कि आप ये समझें कि सारी फैसिलिटीज इन्होंने पूरे बहरिया टाउन में इन्होंने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी हैं। गेंसोय, गेंसोय में हम हमेशा खाना खाते हैं, आज भी खाएंगे।
देखिए वहाँ पे ब्लैक लाइंस बने हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चौरंगियाँ कहते हैं इनको, क्या है, बहुत अच्छी बनाए हुए इन्होंने हर चीज़। ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, अभी वो तैयार हो रही हैं, ये बिलो वाली तैयार हो गई, ये बिजनेस ट्रेड टावर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त, एक हेल्दी लुक आता है भैरिया टाउन को देख के। ये हमारे कायदे आजम, ये कायदे आजम की जहाँ तस्वीर है, ये है जिना एवेन्यू। देखिए अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंप्लीट हो जाएगी, अब वो देखें आप वो क्या चीज है, मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉम्प्लेक्स, यहाँ से सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती होंगी। इट्स लुक लाइक दुबई, ऐसा लग रहा है हम दुबई में हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, दुबई लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बस हम अंदर हो गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अभी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा भैरिया टाउन, फिर तो इसका तो जवाब ही नहीं होगा, बहुत मजे, बहुत ही अच्छा होता है। अब आएगा ARY रेजिडेंशिया भी है यहाँ पर, लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग, लेकिन हमें आप लोगों को अब दिखाना है, आज अपना संडे फंडे, तो इसलिए हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन अलाउ नहीं है, और बाकी में ड्राइव करते हुए मोबाइल को नहीं यूज किया करें। हाईवे, डे नाइट सफारी, बहरिया डांसिंग फाउंटेन, क्रिकेट स्टेडियम। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा बहरिया टाउन है, जाहिर सी बात है टाइम तो बहुत लगेगा इसको भी बनने में, लेकिन जितना भी ये बन गया है बहुत ही अच्छा बना है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई हैं। प्रिज्म मॉल भी बन रहा है, अभी देखिएगा ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम आपको इम्तियाज सुपर स्टोर भी दिखाएंगे जो यहाँ पर अब नया नया खुला है। ये देखिए नाम क्या था इसका, बच्चों नाम क्या था, मैं भूल गई, सिंबाद भी हैदर, उसी के अंदर उन्होंने KFC ये सब चीजें बनाई हुई है, पूरे प्ले एरिया है, बहुत अच्छा बना हुआ है, जबरदस्त झूले हैं, देखें इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी लोग आए हुए हैं क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए गर्मी नहीं देखी जाती है। ये देखें, मैं भूल गई थी, इसका नाम है भैरिया एडवेंचर लैंड, और बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम अंदर जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितना मजा आता है, ऊपर नीचे जैसे मरी में आप घूम रहे हैं, जैसे मरी का आप लोगों ने रास्ता आप गए हो तो आप उन्हें देखा होगा, ये कितना मजा आता है पहाड़ियों पे सफर करते हुए, बिल्कुल वैसा ही है। ये यहाँ पे बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, जब हम वापस आएंगे ऊपर से फिर हम नीचे जाएंगे, बिल्कुल पहाड़ियाँ देखने में, पहाड़ियों से भी ऊपर नीचे आते हैं।
यहाँ पे बहरिया टाउन की पहाड़ियों को काट कर अंदर से रास्ते बनाए हुए हैं। ये देखें, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऐसा लगता है कि यूं जब हम नीचे जा रहे हैं फिर हम ऊपर आ रहे हैं। आपको बहरिया टाउन हॉस्पिटल भी दिखाएंगे, बहरिया टाउन का एक छोटा सा मॉल है वो भी दिखाएंगे। देखें अभी ये कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, बहुत सारा बन चुका है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बहरिया टाउन में है, अभी आपको वो भी शो करवाएंगे। वो सारे फार्म हाउस बना हुआ है, ये देखें पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा हुआ है, नजर आ रहा होगा लहराता हुआ। ये है हमारा पाकिस्तान का फ्लैग, हमारी शान, ये हमारा मुल्क का पाकिस्तान का फ्लैग है। वो देखें वो जो पहाड़ी के ऊपर जो जगह बनी हुई है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पे नॉर्मल जो हम जैसे लोग नहीं जा सकते हैं। चीज इधर पे मेंशन है, हाइट लिमिट क्या होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है यहाँ का। बहरिया टाउन डांसिंग फाउंटेन, बहरिया टाउन स्कूल, हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। अली विलास स्टार्ट होंगे आप, हर ये सारा जो है ये अली विला है ऊपर तक। ये देखें यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ये देखें अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखें ARY रेजिडेंशिया भी है यहाँ पे, बहरिया टाउन स्पोर्ट सिटी, गोल्फ सिटी, हर चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है कि भाई आप लोगों को यहाँ से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, अपनी इस बाउंड्री में आपको हर चीज प्रोवाइड है। अब आपको नजर आ गया होगा, ये देखें एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद आ रही है, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। ये देखें सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी। इतनी ऊंचाई पर बनाई गई है कि ये दूर से ही नजर आती है, और ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। एशिया के सबसे बड़े बहरिया टाउन में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, ये देखें पाकिस्तान के सबसे बड़े बहरिया टाउन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, बहुत खूबसूरत के दिल से एकदम आवाज निकले सुभान अल्लाह। अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन अब बहुत हद तक कंप्लीट हो गई है। जाहिर है बहुत बड़ी मस्जिद है, हर चीज को बनने में टाइम लगता है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। ये देखें क्या जबरदस्त इसका व्यू है। इकरा यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है, उसकी भी एंट्रेंस है यहाँ से, यहाँ से इकरा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है। जामे मस्जिद रियाज, बहरिया टाउन की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर ब्लॉक जो है, जिना एवेन्यू है, अली ब्लॉक है, उनकी अपनी अपनी मस्जिद है, सबकी अलग अलग उन्होंने बनाई है। ये देखें पहाड़ियां, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी, बहुत
दूर तक फैला हुआ है। ये देखें बिल्कुल, मैम मुझे तो यहाँ पे सफर करके ऐसा लगता है जैसे मैं मरी में सफर कर रही हूँ। इस्लामाबाद होता है, आपने देखा होगा, इस्लामाबाद भी बिल्कुल ऐसा ही है। यू ऊपर जाते हैं, हाँ, फिर यूं करके एकदम से हो रहा होता है, दिल भी अजीब सा हो रहा होता है जब ऊपर और नीचे जा रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है ये। ऊपर जा रहे हैं, ये देखें कितना जबरदस्त। क्लीन एंड ग्रीन, मोटरवे M9, ये देखें। अब हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं और हम अब फिर से ऊपर जाएंगे। डाउन अप डाउन अप, ये देखें यहाँ पे ईफिल टावर आएगा, बहुत दूर है अभी, हम आपको ईफिल टावर भी दिखाएंगे। पहले हम जब भी आते थे, हम फर्स्ट टाइम जब आए थे तो हमें वो ईफिल टावर का रास्ता खुला हुआ मिला था तो हम चले गए थे, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। देखें अब हम नीचे जा रहे हैं, ये देखें, ये देखें आता है सफर करने में। ये देखें अब गाड़ी की स्पीड भी 100 पे चली गई है। ओ गॉड, बहुत ही खूबसूरत। अब हम दोबारा नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे जाएंगे, मतलब तो कर्व वाला नीचे, कर्व वाला। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक। कोई कर्व नहीं आ सकता, प्यारे दरख्त हैं, खूबसूरत। अल्लाह ताला के नाम भी लिखे हुए हैं, अल कयूम, अल रहमान, अल वाहिद, खालिक, अल जब्बार, ये सब अल्लाह के नाम। जी ईशान, अल्लाह के कितने नाम है? अफान, अल्लाह के कितने नाम है? 99। गुड, आपको कितने याद है? अल मालिक और बोले बोले इंशाल्लाह, अर रहमान, अस समद, अर रहीम। अल्लाह ताला ने अपने नाम 99 इसलिए रखे हैं। ये देखिए रहीम सभी, ये देखें हरकतें, ये देखें आप देखें, ये लोग होते हैं जो फिर गिरते हैं और फिर चोट लगती है या फिर दूसरों को भी इनसे नुकसान होता है, जिनकी गाड़ियों में आके ये ठुक जाते हैं। ये देखें, ये हम कभी लाहौर में देखते थे, ये वो लोग एक टायर से चला रहे हैं। अभी भी आपने देखा उसने दूर तक रेसिंग ही कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है ना, जाहिर सी मोटरसाइकिल इधर से उधर हुई और ये किसी की। अब ये देखें, ये गोल्फ सिटी आ गया है, बॉल बनी हुई है गोल्फ की, गोल्फ सिटी दूर से नजर आती हैं ये सब चीजें। स्पोर्ट्स विलाज, सर्विस स्टेशन, बहुत कुछ।
साहिर। ये देखें ये सारे पहाड़ों को काटा हुआ है, ये सब मिट्टी पहाड़ों की है। मस्जिद इमाम अली, बहुत दूर ईफल टावर नजर आ रहा होगा जी। अब देखें हम करीब करीब, मुझे लेफ्ट साइड भी तो बहुत ही बड़ा, वो देखें अभी आने वाली बस देखें, दरख्तों के पीछे से आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ऊपर पीछे से जैसे कि वो यू बनी हुई होती है, इतनी इतनी लंबी सी यू बनी। अब हम आपको करीब लेते जाएंगे, देखिएगा ईफिल टावर करीब आता जाएगा, करीब आता जाएगा। बलोचिस्तान की पहाड़ियों को काट के रास्ते बनाए हैं और बहुत ही बेहतरीन बनाए हैं, और ईफिल टावर भी उन्हीं पहाड़ियों के ऊपर है। जब हम गए थे तो वहां से हमें पूरा, वहां से कराची का पूरा व्यू नजर आ रहा था, इतना ऊपर है ये है ईफिल टावर। अब तो पता नहीं कि अलाउ करते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है और कोई सेफ्टी नहीं है, इस वजह से इन्होंने बंद कर दिया। ये देखें ये रास्ता है यहाँ से ईफिल टावर जाने का, हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे, फिर हमने अपनी गाड़ी को बैक किया है। आई होप के कितना प्यारा लगता है, बहुत मजा आता है। जब हम उस वक्त सर्दियां थी जब हम ईफिल टावर पे गए थे, वहां इतनी शदीद हवा चल रही थी, इतना ठंडक थी, लेकिन मजा बहुत आ रहा था। ये देखें अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं, ये शॉर्टकट है। हाँ ये शॉर्टकट, कितना मजा आता है पहाड़ियों के ऊपर जाएं। हवा क्या होगी, इतना खूबसूरत है ये पहाड़, अल्लाह की कुदरत है। ये देखें ईफिल टावर, लाहौर का जो ईफिल टावर है उसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है, उसमें रेस्टोरेंट्स हैं। मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ का भी ऐसे ही बनेगा, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखें मेरे ख्याल से रोड क्लोज किया हुआ है, नहीं जा सकते,
हम बात करके देखते हैं कि हमें जाने देंगे या नहीं। नहीं 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 ओपन है, जाने दे रहे हैं। अब हम आपको जबरदस्त, हम जा रहे हैं एफिल टावर। यहाँ पे उधर स्लो का बोर्ड लगा हुआ था क्या? स्लो, गाइस गाड़ी को स्लो करना है। गाड़ी ये देखें क्या जबरदस्त, बहुत मजा आता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये रास्ता, बिल्कुल लाहौर में जो है एफिल टावर, उसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल से ये भी ऐसा ही बनेगा। ये देखें, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद के रास्ते बिल्कुल ऐसे ही हैं। मरी जाएं आप, नथिया गली, यहाँ पे गाड़ी बहुत हैवी हो जाती है। ये देखें क्या जबरदस्त लुक है। बस हम करीब आने ही वाले हैं। जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं हमें एफिल टावर भी करीब लग रहा है। कितनी दूर से हमने आपको दिखाया था, अब ये देखें रास्ते, ये देखें पहाड़, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। ये देखें ये एफिल टावर करीब आ रहा है, अब हम पहुंचने वाले हैं। हमें तो बहुत नजर आ रहा है। ये देखें अब इसलिए वो आने दे रही, इसलिए वो ग्राउंड में है। अब रश नहीं होता है, किसी आप इवेंट पे आए जैसे 23 मार्च, 14 अगस्त, तो इस टाइम बहुत ज्यादा रश हो रहा होता है। ये देखें अब हम आने ही वाले हैं। देखिए ब्लैक वो गाड़ी। आप रास्ते, बस रास्तों में घूमते जाएं, घूमते जाएं। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ, देखिए इसके ऊपर चांद तारा भी हमारा बना हुआ। और इवेंट के यानी कि इसके अंदर लिफ्ट काम कर रही है, इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया है। अगर हमें अंदर जाने देंगे तो हम आपको लाजमी लिफ्ट के अंदर से भी दिखाएंगे लाजमी, और हम और ये देखिए ऐसा लगेगा हम इतने उधर देखिए एफिल टावर, बहरिया टाउन कराची का एफिल टावर, इसके ऊपर चांद सितारा भी लगा हुआ है। ये देखिए पार्किंग भी लगी हुई है, इसका मतलब हमें जाने देने हैं। SOPs की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इधर पर, लोग आ रहे हैं एफिल टावर की सैर करने के लिए। हम भी जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे करीब से कराची का एफिल टावर। ये देखें बैरियर, इसके अंदर एफिल टावर में अभी जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा सके हैं। हमने कोशिश पूरी की थी कि हम आपको करीब से बिल्कुल दिखाएं जाके, इंशाल्लाह जब ये ऑन हो जाएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब ये देखें वापसी का रास्ता है, बिल्कुल कितना प्यारा बना हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा। बैरियर टाउन में बस एक बात है कि बहुत सन्नाटा होता है रात के वक्त, और ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है। हम कराची वाले लोग बहुत शोर शराबे के और रौनक के आदि हैं, तो उस लिहाज से बस हमें एक बेरौनकी सी लगती है। ये देखिए अब हम नीचे जा रहे हैं, कितना ऊपर हैं हम इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं। देखें हम अब हमें यहाँ से नीचे जाना है, ये देखें बस सिर्फ यही तो इधर का मज़ा है।
देखें क्या व्यू है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां हैं। आप ये समझें कि जैसे हम मरी में जाते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे कान जो हैं वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाते हैं उतना ही सुन हो जाते हैं कान। ये भी बहुत ऊंचाई पर है, यस, वो रहा हमारा ईफल टावर, कराची का ईफल टावर। हमें जाने नहीं दिया, जब जाने देंगे तो हम जरूर जाएंगे। बाय बाय। देखिए पहाड़ियों के ऊपर भी लिखा हुआ है आई लव बहरिया टाउन। ये देखिए डांसिंग फाउंटेन का एरिया है जो रात को खुलता है सिर्फ संडे को, कभी रात में आए तो आपको जरूर दिखाएंगे। जब भी आप लोगों को डांसिंग फाउंटेन देखनी हो तो संडे के दिन 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होते हैं। ये देखिए ये एरिया है सारा डांसिंग फाउंटेन का, बहुत खूबसूरत व्यू आता है। बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इतना लंबा है, ये टाइम यहाँ पे मेंशन है इसका। हाँ।
हवा चल रही है ना तो लीव्स भी हिल रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है क्योंकि ये बिल्कुल खुला एरिया है और बहुत दूर दूर सब जगह है। इतनी दूर वो वाले बैंगलोर बने हुए थे, उसके बाद सारा सुनसान एरिया था, उसके बाद अब ये दोबारा से यहाँ पे बैंगलोर स्टार्ट हुए हैं। तो पता नहीं लोग कैसे मैनेज करते होंगे जहाँ वो लोग जो पीछे रहते थे, वहाँ पर तो ना ही कोई मार्केट है, कुछ भी नहीं है, सब फ्रंट के ऊपर सब चीज़ बनी हुई है, लोगों को मैनेज कैसे करते होंगे। वैसे इतनी दूर उन्हें आना पड़ता होगा सामान के लिए, बिल्कुल सुनसान। एक और अच्छी बात यह है कि हर ब्लॉक के अंदर इन्होंने पार्क्स बनाए हुए बच्चों के लिए, वहाँ पे स्विंग्स लगे हुए, झूले लगे हुए, सारे बच्चे वहीं से घर से निकलें, इंजॉयमेंट करें और वापस अपने घर में चले जाएं, घरों के सामने ही सब चीज़ें बनी हुई, ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी आपको वो जगह दिखाते हैं, ये शायद ये देखें भी सब कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा। हमें बहुत मजा भी आ रहा है। लिंक रोड है, ये इम्तियाज का रास्ता है, यहाँ पे इम्तियाज स्टोर खुल चुका है। बहुत ही आसानी हो गई है बहरिया टाउन वालों के लिए, बहुत बड़ा इम्तियाज स्टोर खुला है। ये देखें ये इसकी बैक साइड है जहाँ पे ये पार्किंग है सारी, आपको फ्रंट व्यू भी दिखाते हैं। ये देखें बहुत बड़ा मेगा इम्तियाज लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, इम्तियाज मेगा। ये देखें ये डेंजू का रास्ता है, अंडरपास बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ये देखें अंडरपास बेटा बन गया हुआ है अभी तो सब, बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ है, सारी पिक्चर्स बनी हुई है एनिमल्स की, लायन। ये देखें ये है डेंजू, अभी बहुत गर्मी हो रही है इसलिए हवाई तो हिम्मत नहीं हो रही है कि हम अंदर जाएं, क्योंकि अंदर बिल्कुल खुला हुआ है, कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है और शदीद गर्मी हो रही है। ये देखें ऊपर बड़े बड़े चिंपैंजीज बैठे हुए, डमी है ये।
के पीछे बैठकर फुल शरारतों में लगे पड़े। यहाँ पर पीएसए का पेट्रोल पंप भी है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जा रही है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फार्म हाउसेस भी हैं। ये फार्म हाउस है। वाओ। गेट वन। हमें अंदर भी जाने दे। बहरिया फार्म हाउसेस। हम एंटर हो गए हैं। देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आए अपना डे स्पेंड करें। जबरदस्त। वाओ। ये देखें राइमा फाउंटेन। ग्रीन एंड ग्रीन। सारे फार्म हाउसेस बने हुए। बुक करवाएं, अपना डे स्पेंड करें, पूरे भैरिया टाउन में घूमें फिरें, रात को यहीं रहें, अपनी फैमिली के साथ आएं, कितना मजा आए। हॉस्पिटल बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल है। ये सिग्नल जो है इस टाइम क्लोज है, इसलिए हम रुक गए हैं। जैसे ही ग्रीन होंगे हम फिर ड्राइविंग स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, ये बहरिया टाउन की शटल सर्विस है। इनकी सब चीजें अपनी होती हैं। मिलेनियम रूट स्कूल भी है यहाँ पे। अच्छा, सिटी स्कूल होता है इंदम। बैरियर टाउन की स्कूल एंड कॉलेज बसेस खड़ी हुई है। ये देखें, ये अपनी बसेस। नहीं, कितना प्यारा बैंगलो बना हुआ है। अंदर से बहुत ही खूबसूरत होंगे। ये रहा गिनसॉय। अब हम यहाँ से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। ये बच्चों की प्ले एरिया। मजे से बच्चे अपने घरों में से आए, एंजॉय करें। बहुत अच्छा माहौल है।
गर्मी आ गई है कराची में, तो गर्मी स्टार्ट हो गई है। द पैलेस अपार्टमेंट्स, ये देखेंगे भी एक छोटी सी मार्केट है, यहाँ की बुटीक है, इसके अंदर मेडिकल स्टोर भी है। ये स्टार्टिंग का एरिया है सारा, डेलिकेसी स्वीट्स एंड बेकर्स, डेलिकेसी स्वीट्स एंड बेकर्स। अब हमने खाना खाया है तो अब हम मीठा जो है यहाँ की बेकरी से खाएंगे। अब हम मीठा अपने लिए कुछ लेने जाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बेकरी है, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, फ्रेश होती हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैं यहाँ से ज़रूर खाती हूँ। खाना खाने के बाद मीठा तो होना चाहिए, तो हमने कहा कि हम बेकरी से खाते हैं। प्यारा है सन्नाटा, यहाँ का मॉल है, छोटा सा मॉल। अच्छा ये ब्यूटी पार्लर है यहाँ पे, जाओ जाओ देख लो। फार्म शॉप, ये भैया फार्मेसी है। यहाँ पे एक छोटा सा मॉल है, इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। हेलो बाबा बेकरी में आओ, इधर आओ, चल मेरे साथ आ जाओ। क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट, ग्लैम गैस, सारा ये छोटा सा मॉल है, इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, ये शॉप्स बनी हुई हैं। यहाँ सब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का एरिया बना हुआ। ये देखिए अब हम खाने पीने से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, अब हम आपको मजीद दिखाते हैं। ये देखें क्या जबरदस्त बना हुआ है, ये यूनिक चीज है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए कैलिफोर्निया रिले रियल्टर, कैलिफोर्निया रियल्टर, नो 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 हिल्स, वेयर यू कैन सी हिल्स, ओके। अच्छा बनेगा जब बनेगा ना पूरा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत जबरदस्त लगेगा। यहाँ पे सिनेमा भी है, वो देखें बैरियर टाउन का हेड ऑफिस है वो। मस्जिद सरवर,
आपको बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है बैरिया टाउन का। अगर आप लोगों को यहाँ पर अपने लिए कोई फ्लैट कोई ज़मीन खरीदनी हो तो आप ये मेरी वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैरिया टाउन देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। Pakistan flag. Pakistan flag. On the up. Yes. I see the road is the it's a road and then you can see the Pakistan flag. Yes, you are right. Hills. Yes. वो देखें सिनेपैक सिने गोल्ड, ये जो है ये एंट्रेंस है संगमा की सिने गोल्ड। देखें क्या बेहतरीन एंट्रेंस बनी हुई है। Wow. ये देखें कि कोविड की वजह से इन लोगों ने सिनेमा को ओपन कर दिया है तो ये सारी स्क्रीन लगी हुई है। ओपन ग्राउंड में बैठ के आप देखें अपनी गाड़ियों में बैठकर आप मूवी को एंजॉय करें जैसे बाहर मुल्कों में हो रहा है वैसे ही बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है क्योंकि क्लोज एरिया मना किया गया है ओपन एयर में सारा काम होना है। ये देखें यहाँ पे सारा खाने का भी इंतजाम है मजे से खाएं मजे से मूवी देखें कि हर चीज का इन्होंने ना हल निकाला हुआ है। बहुत अच्छा बनाया हुआ है जरूर विजिट करें बच्चों को लाएं एंजॉय करें फैमिलीज के साथ आए। यस निशाल का जो पेट है वो भर चुका है इसलिए वो दोनों बहुत रिलैक्स हैं वरना उन्होंने हमें बहुत तंग किया हुआ था कि हमें खाना खाना है खाना खाना है। What you see in your trip? Many things. Explain. ये देखिए ये सारे यहाँ पे
मेंशंस हैं, भैरिया होम्स, अली ब्लॉग, गोल्फ सिटी। हाँ फान बताइए क्या क्या देखा आपने। चलो वी सॉ ईफिल टावर। यस Very sad. It's okay. I really like the cinema. It was great. Mm. I can see it. We can come. You see Time of Harriet. Yes. We see the villas and flats. And I see park area. Farmhouses. Yes, farmhouses. I can see the Dan Zoo. The mountains, yes. Beautiful houses. Are they here? Yeah. Like it was mentioned. We can see it. We can see it. With the houses with peach color. अब हम वापसी कर रहे हैं अपनी। बहुत मजा आया हमें, हमने फुल एंजॉयमेंट की है यहाँ पर, आप लोगों को भी दिखाया है सब कुछ। अब हम वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम निकल गए हैं, निकलने वाले हैं। अब हम वापस जा रहे हैं।
हैदराबाद का रास्ता है, यहाँ से हैदराबाद आएगा और यहाँ से हम वापस कराची जाएंगे। कराची पहुँचने में भी तकरीबन अभी हमें 1 घंटा चाहिए। देखिए क्या जबरदस्त बना हुआ है वापसी का रास्ता भी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारा संडे कैसा लगा, जरूर बताइएगा।